मैं शिखा श्रीवास्तव, मेरे चैनल टिप्स थिएटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ, तो चलिए देखते हैं उस वीडियो को। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि गिलोय का पौधा हम घर पर किस तरह से लगाएं। बहुत ही आसानी से गिलोय का पौधा लग जाता है और हमें अपने घर पर गिलोय का पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। तो ये इसकी पहचान है, पत्तियाँ बिल्कुल पान के पत्तों के जैसे ही दिखाई देती हैं और इसकी जो लताएँ होती हैं दोस्तों, और इसका जो स्टेम होता है, उस स्टेम में छोटे छोटे से इसमें दाने होते हैं और इन्हीं दानों में से नए नए पत्ते निकलते हैं। तो आप देख रहे हैं इसकी लता कितनी तेज़ी से बढ़ती है। मैंने थोड़ा सा इसे लकड़ी से सहारा दिया है ताकि इसकी जो बेल है वो आसानी से ऊपर चढ़ सके। बहुत ही आसान है इसे लगाना। वैसे तो हो सकता है आपके घर के आसपास भी गिलोय की ये बेल है, गिलोय की ये जो लता है वो लगी हो, पर आप पहचान ना पा रहे हो। तो चलिए आपको इसकी पहचान भी बता देती हूँ। आपको इसकी हरी हरी स्टेम का यूज़ नहीं करना है दोस्तों। आपको इस गिलोय के पौधे का जो मोटा स्टेम होता है दोस्तों, उसका ही आपको इस्तेमाल करना है। तो इसकी पहचान ये है, सबसे पहले तो इसके जो पत्ते होते हैं बिल्कुल पान के पत्ते के जैसे, और ये जो स्टेम में छोटे छोटे दाने देख रहे हैं दोस्तों, तो ये जब स्टेम को जब आप काटेंगे ना दोस्तों, तो ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट रहता है, बिल्कुल नरम नरम सा ही इसका तना रहता है और इसी के स्टेम का ही हमें काढ़ा बनाकर पीना है। आप चाहें तो गिलोय का पाउडर बना सकते हैं, गिलोय की टैबलेट बना सकते हैं, गिलोय का रस बना सकते हैं या फिर गिलोय का काढ़ा। तो अमृत के जैसे ही इसे माना जाता है दोस्तों, तभी तो इसका दूसरा नाम है अमृता। तो इसकी बेल आप देख रहे हैं इतनी तेज़ी से फैलती है दोस्तों, ये लौकी की बेल है, चारों तरफ ये लौकी की बेल से ही लपट गई है। तो ये आपको शायद आपके घर के आसपास दिख भी जाए, कोई भी पेड़ में चढ़ी रहती है, खासकर नीम का पेड़ होता है ना दोस्तों, नीम के पेड़ पर भी ज़्यादातर गिलोय की लता लिपटी हुई रहती है, गिलोय की बेल लिपटी रहती है, इसीलिए तो उसे नीम की गिलोय कहा जाता है, नीम गिलोय भी कहा जाता है। और जो नीम गिलोय होती है दोस्तों, वो तो और भी ज़्यादा औषधियों का भंडार होती है। नीम की पत्तियाँ तो वैसे भी बहुत ही अच्छी होती हैं, बहुत ही एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है नीम की पत्तियों में, और जब ये बेल उससे लिपटी हुई रहती है तो बहुत से औषधि गुण इस बेल में नीम के भी आ जाते हैं। और इस पौधे को इतने आसान है दोस्तों लगाना, आप सिर्फ इसकी एक छोटी सी डंडी लगा दें, जरूरी नहीं कि आप कहीं से पौधा लेकर आएं, एक छोटा सा स्टेम भी अगर आप लगाएंगे तो 10 से 15 दिन में ही ये तेजी से फैल जाती है और सबके घर के आसपास दोस्तों ये लगी मिल जाएगी। तो अब आप इसकी पहचान देख लें, इस तरह की ये बेल होती है। आप इसके स्टेम को काटेंगे ना दोस्तों, तो अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा, बिल्कुल अंदर से काटने पर जैसे फूल होता ना, फूल की आकृति वैसा ही उसका स्टेम दिखता है काटने से। वैसे गिलोय के पौधे के बारे में डिटेल में वीडियो भी मैंने शेयर किया है, तो आज मैं इसकी केयर भी बता रही हूँ आपको दोस्तों। समय समय पर कोई भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट डालें, जो भी आपके पास है, वर्मी कंपोस्ट है, नीम की खली है, मस्टर्ड केक है, हरियाली खाद है, जब हम कोई भी पौधा लगाते हैं तो 10 से 15 दिन में उसमें कोई भी कंपोस्ट डालना बहुत ज़रूरी है। और गिलोय का पौधा आप सभी अपने घर पर जरूर लगाएं दोस्तों, जैसा मैंने बोला इसे अमृत के जैसा माना जाता है, बहुत सी बीमारियों से बचाती है हमें, खासकर हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करती है गिलोय की ये जो औषधि है, गिलोय का रस है या गिलोय का काढ़ा है, किसी भी रूप में आप इसे लें, परंतु रोज़ आप इसे ज़रूर लें तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, हमारी आँखों की रोशनी बढ़ती है और साथ ही साथ हार्ट संबंधी जो बीमारी होती है दोस्तों, गिलोय का रस पीने से वो भी दूर होती हैं। हमारे बहुत से स्ट्रेस गिलोय का रस पीने से, गिलोय का काढ़ा पीने से दूर होते हैं। और इसे आप लोग ज़रूर घर पर लगाएं दोस्तों, बहुत आसान है इसे लगाना। और इसके साथ ही साथ दोस्तों, आपको इसी की कोई ख़ास केयर की ज़रूरत नहीं है, गर्मी का मौसम है तो आप चाहें तो पानी इसमें स्प्रिंकल कर सकते हैं, 2 से 3 दिन बाद भी पानी देते हैं तब भी ये बहुत आसानी से सर्वाइव कर जाती है। और आयुर्वेद में तो इसका बहुत महत्व है, बहुत सी दवाइयों में गिलोय के रस, गिलोय के पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप भी अपने घर पर गिलोय का पौधा ज़रूर लगाएं, जैसा मैंने बताया आपको एक स्टेम से लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने उसी पौधे की एक छोटी सी डंडी काट ली थी 10 दिन पहले, आपको दिख रही होगी बिल्कुल छोटी सी डंडी, उसमें से नन्ही नन्ही लताएं निकलने लगी हैं। तो ये लता लटक रही है हवा में, इसलिए मैंने एक छोटी सी लकड़ी से इस लता को सहारा दे दिया है। नीम की ही डंडी है ये, नीम की डंडी से मैंने इसे लपेट दिया है ताकि इसे थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके। बहुत सी दवाई में काम आता है। और जो बुखार होता है दोस्तों, कई लोगों को बुखार लंबे समय तक नहीं उतरता है, उसमें अगर वो गिलोय का काढ़ा
पीते हैं तो बुखार भी उतर जाता है। स्वाइन फ्लू, मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों में दोस्तों होने के बाद भी इस काढ़े को पीने का डॉक्टर सलाह देते हैं। दवाई के साथ साथ आप इसका काढ़ा भी जरूर लें, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और साथ ही साथ दोस्तों हमारी याददाश्त बढ़ती है, हमारी मेमोरी शार्प होती है। बहुत ही हेल्दी टॉनिक है गिलोय का रस, सांस की बीमारी को भी दूर करती है गिलोय का रस, गिलोय का काढ़ा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और यदि अच्छा लगा हो दोस्तों तो उसे एक छोटा सा लाइक जरूर दें।